हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, रॉबर्ट्स लॉ, इसे बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर इन लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, जिनको एक्सप्लेन करा था रॉबर्ट्स ने। तो हम पढ़ने वाले हैं रॉल्स लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं? रॉल्स लॉ। याद होगा हमने लास्ट क्लास में हेनरी लॉज पढ़ा था, उसकी एप्लीकेशंस वगैरह करी थी। तो आज हम कर रहे हैं रॉल्स लॉ। तो यहाँ पे पहला जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, तो पहले हम समझेंगे वेपर प्रेशर होता है क्या। तो पहले हम वेपर प्रेशर समझते हैं, एक नई स्लाइड ले लेते हैं। वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर होता है क्या है? सपोज एग्जांपल लेते हैं, हमने घर में देखा होगा कुकर जो होता है, वो एक कुकर को जब गैस पर रखते हैं तो उसमें एक प्रेशर अप्लाइड होता है जो सीटी को ऊपर कर देता है। वो वेपर प्रेशर नहीं होता, वो वेपर प्रेशर नहीं होता। रोटी बनाते टाइम देखा होगा जो रोटी होती है वो फूल जाती है, देखा ना कई बार, तब रोटी बनती है तो वो फूल जाती है, वो एक प्रेशर लगाती है जिससे वो ऊपर से बस्ट होके वो क्या होता है, जो उसकी स्टीम है बाहर निकलने लगती है, वो भी वेपर प्रेशर नहीं होता। साइंस के टर्म में वेपर प्रेशर का मतलब अलग है। साइंस के टर्म में जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम समझेंगे कि आखिर में वेपर प्रेशर है क्या। कुकर जो प्रेशर लगा रहा है वो वेपर प्रेशर नहीं है। तो वेपर प्रेशर होता क्या है, तो हम उसको समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर, ठीक है, क्लोज कंटेनर। इसका टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर। इसके अंदर हमने फिल कर लिया एक लिक्विड को जो कि सॉल्वेंट है ये रहा, ठीक है। अब टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल इवोपरेट कर रहे होंगे। मान लो ये वाटर है, कुछ मॉलिक्यूल इसके क्या कर रहे होंगे, इवोपरेट। तो यहाँ पे हो रहा है इवोपरेशन, इवोपरेशन, यस और नो? ये हो रहा है इवोपरेशन और ये कुछ वेपर बनना स्टार्ट हो गया। इस टाइम पे ये एक प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, वो वेपर प्रेशर नहीं है, वो भी वेपर प्रेशर नहीं है। तो वेपर प्रेशर होता है क्या है वो समझ लेना अभी, ठीक है। जैसे ये इवोपरेट करेंगे तो जो लिक्विड होता है उसका लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिक्विड का लेवल थोड़ा डाउन, ये नीचे आ गया। अब टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर है कॉन्स्टेंट। तो कुछ मॉलिक्यूल अगर इवोपरेट कर रहे हैं तो कुछ टाइम बाद कुछ मॉलिक्यूल कंडेंस भी करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करना स्टार्ट कर देंगे? कंडेंस, और लिक्विड का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। बट हाँ, वो पहले के जितने नहीं हो पाएगा, पहले के बराबर नहीं हो पाएगा। देखो पहले इवोपरेट करा, लेवल डाउन हुआ, कुछ टाइम बाद कंडेंस भी होना स्टार्ट हो जाएगा, तो लेवल हल्का सा अप हुआगा। ये नहीं कि सारे मॉलिक्यूल ही कंडेंस हो जाएंगे या सारे मॉलिक्यूल ही इवोपरेट, क्योंकि टेम्परेचर क्या है? कॉन्स्टेंट। जिस रेट से इवोपरेशन चल रहा होगा उसी रेट से कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। लिक्विड का लेवल जो एक कॉन्स्टेंट हो जाएगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि जितने रेट से इवोपरेट हो रहा है उसी रेट से कंडेंस हो रहा है। पहले लिक्विड का लेवल ये था, जैसे इवोपरेट हुआ तो लेवल यहाँ पे डाउन हो गया, ठीक है, लिक्विड का। अब कंडेंस हुआ तो थोड़ा सा बढ़ गया। अब इक्विलिब्रियम अटेंड होगी कि जिस रेट से इवोपरेशन हो रहा है उसी रेट से कंडेंसेशन। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। क्या आ गया यहाँ पे कंडीशन? इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे जो है रेट ऑफ इवोपरेशन, रेट ऑफ इवोपरेशन किसके इक्वल हो जाएगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो देखो यहाँ पे समझना, जिस रेट से इवोपरेट हो रहा है उसी रेट से कंडेंस। तो कंडीशन क्या आ गई हमारी? इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर क्या था? कांस्टेंट। इसलिए जिस रेट से इवोपरेट हो रहा था कुछ टाइम बाद कंडेंस भी होने लग जाएगा। अब जब हमने एग्जांपल लिया था कुकर वाला, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, आपको टेम्परेचर इंक्रीज करते रहता हूँ। दूसरा, वो कंटेनर भी क्लोज नहीं है। थर्ड, वहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन ही नहीं हो रहा, मीन्स इक्विलिब्रियम अटेन ही नहीं हो पा रहा। तो जो कुकर वाला एग्जांपल है वो वेपर प्रेशर नहीं कहलाएगा। कोई पूछे कि बताओ जो कुकर प्रेशर एग्जर्ट करता है, जो सीटी बजती है खाने में बनते टाइम,
क्या वो वेपर प्रेशर है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे पहला तो कंटेनर क्लोज नहीं है, सेकंड टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, हम इंक्रीज डिक्रीज करते रहते हैं, एंड थर्ड वन जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये तीन कंडीशंस होनी चाहिए, ये दो तो इंपॉर्टेंट है कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम। अब यहीं से क्या होगा, देखो जिस रेट से इवेपोरेट हुआ उस रेट से कंडेंसेट, कंडीशन क्या आएगी, इक्विलिब्रियम। इस टाइम पे जितने भी वेपर इस सरफेस में होंगे, इस टाइम में जितने भी वेपर इस सरफेस पे होंगे, और ये जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, ये जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं इस कंटेनर की वॉल पर, वही कहलाएगा हमारा वेपर प्रेशर, वही कहलाएगा हमारा वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की स्टेटमेंट देख लो, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर at equilibrium, at given constant temperature is known as vapor pressure. Pressure exerted by vapor at equilibrium at given constant temperature is known as vapor pressure. तो देखो यहाँ पे जो conditions बताई थी वो सारी यहीं पर आ रही है। प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर लगे और कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उस केस में कहलाएगा आपका वेपर प्रेशर। तो रोल्स रूल तभी हम पहुंचेंगे, पहले वेपर प्रेशर ही। तो ये होता है हमारा वेपर प्रेशर, इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रोल्स रूल सब में वेपर प्रेशर वर्ड बार बार यूज होते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर को मैं वीपी लिख रहा हूँ, ठीक है। वेपर प्रेशर जो होता है, अगर किसी भी लिक्विड या किसी भी कंपोनेंट का इंक्रीज करता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज। या बोल सकते हैं कि हायर द वेपर प्रेशर लोअर द बॉइलिंग पॉइंट, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखवाते हैं नोट करके, तो नोट, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। इसका मतलब क्या है, इफ इंटरमोलिकुलर, इफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस अमंगस्ट द मोलिक्यूल ऑफ लिक्विड इज हायर, अगर लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो काफी ज्यादा है, क्या है, अगर लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, तो बताओ अगर लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है तो उसका इवोपरेशन क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन ज्यादा है तो इवोपरेशन क्या हो जाएगा, स्लो। इवोपरेशन स्लो तो कंडेंसेशन भी स्लो, कि जिस रेट से इवोपरेशन होता है उस रेट से कंडेंसेशन, इवोपरेशन स्लो कंडेंसेशन स्लो, तो वेपर भी कम बन रहे हैं तो वेपर प्रेशर कम। तो इफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग्स द मोलिक्यूल ऑफ लिक्विड इज हायर, देन लोअर इज रेट ऑफ इवोपरेशन, तो उसका इवोपरेशन क्या हो जाएगा, स्लो। क्या हो जाएगा, इवोपरेशन स्लो, lower is the rate of evaporation, hence lower is vapor pressure. तो lower is vapor pressure. अगर vapor pressure low है तो इसका boiling point क्या हो जाएगा, high, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, inversely. तो simple सा, अगर दो liquid के बीच में force of attraction ज्यादा है तो मतलब क्या, उसका boiling point ज्यादा है, boiling point ज्यादा है तो उसका rate of evaporation क्या हो जाएगा, slow, late boil हो रहे हैं, इवोपरेशन स्लो तो कंडेंसेशन भी स्लो, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोल सकते हैं उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम। तो हायर द बॉइलिंग पॉइंट लोअर इज द वेपर प्रेशर, एंड हायर द वेपर प्रेशर लोअर इज द बॉइलिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आता है स्टेटमेंट टाइप में। नेक्स्ट हमें पता भी, फॉर एग्जाम्पल इथाइल अल्कोहल, जो इथाइल अल्कोहल होता है इज मोर
volatile, then water. जो इथाइल अल्कोहल होता है वो ज्यादा volatile होता है water से, because आप इसको कैसे explain करोगे इथाइल अल्कोहल, बताओ ज्यादा volatile है. volatile कौन होते हैं? जिनका rate of evaporation fast होता है, because इथाइल अल्कोहल, या लिख लो, because the vapor pressure ethyl alcohol is higher. अगर ज्यादा volatile का मतलब क्या है, देखो जो ज्यादा volatile है मतलब जिसका rate of evaporation ज्यादा है, rate of evaporation ज्यादा है तो मतलब उसका vapor pressure ज्यादा है, या बोल सकते हैं vapor pressure ज्यादा है, या फिर बोल सकते हैं that is lower is boiling point. इथाइल अल्कोहल ज्यादा वोलेटाइल है. क्यों ज्यादा वोलेटाइल है? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? हाई. क्यों हाई होता है? उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है. बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वोलेटाइल का देखो मतलब होता है जिसका रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट हो. रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट मतलब हाई वेपर प्रेशर. हाई वेपर प्रेशर तो बॉइलिंग पॉइंट लो. तो लो बॉइलिंग पॉइंट है इसलिए ज्यादा वोलेटाइल है. ठीक है, इसलिए क्या है? ज्यादा वोलेटाइल. कम टेम्परेचर पे ही इवेपोरेट कर जाता है. इसलिए आपने देखा होगा जो इथाइल अल्कोहल एसीटोन हाई वोलेटाइल होते हैं एज कम्पेयर टू वाटर. क्यों? क्योंकि उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट कम. वेपर प्रेशर क्यों ज्यादा हुआ? वोलेटाइल का मतलब क्या? इवेपोरेशन ज्यादा. इवेपोरेशन ज्यादा तो कंडेंसेशन भी ज्यादा, तो वेपर प्रेशर भी हाई. तो ये वेपर प्रेशर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रोड्स लो बताता है हमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हम जो पढ़ेंगे. तो वेपर प्रेशर होता है क्या? हमने देखा कि जो प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर एट इक्विलिब्रियम एट गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज वेपर प्रेशर. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. हम क्या था हमारा? रोड्स लो. तो रोड्स लो, वेपर प्रेशर इन लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन. तो वेपर प्रेशर का मतलब हमें समझ आ गया. अब हम वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन. तो रोड्स लो पहले बोलते हैं क्या? इट स्टेट दैट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स the partial vapor pressure of each component in the solution the partial vapor pressure hota each component in the solution is directly proportional to its mole fraction. तो रोल्स लॉ बोलता है जो पार्शियल वेपर प्रेशर है कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के. सिंपली कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स. हम कंसीडर कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स. और बाइनरी सॉल्यूशन कौन होता है? जिसमें एक सॉल्यूट एंड एक सॉल्वेंट, मींस इसमें दो कंपोनेंट हो. फॉर कंपोनेंट ए, रोल्स लॉ में क्या बोल रहे हैं? स्टेटमेंट जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन एंड प्रोपोर्शनल का साइन हटा एंड पी नोट ए एक्स ए. फॉर कंपोनेंट बी, फॉर कॉम्पोनेंट बी, बी कॉम्पोनेंट के लिए अगर मैं बोलूं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड प्रोपोर्शनल का साइन रहता तो पी नॉट बी एक्स बी. अब यहाँ पे पी ए और पी बी क्या है और पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है वो देख लो. पी ए जो है हमारे पास, पी ए एंड पी बी वेपर प्रेशर of components A and B
ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एंड पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, वेपर प्रेशर ऑफ या वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना जो प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट्स होंगे उनके वेपर प्रेशर को हम नोट से रिप्रेजेंट करेंगे, ये नोट लिखा है, ठीक है, पूरे चैप्टर में पी ए नोट और पी बी नोट का मतलब क्या, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, तो जहां पर भी नोट आ रहा है वो प्योर स्टेट की बात हो रही है, प्योर स्टेट मतलब जैसे कि सॉल्वेंट वाटर है वो प्योर स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो वहां पे पी नोट वर्ड यूज करेंगे हम, क्या करेंगे पी नोट, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मान लो इसे फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, हमें पता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर में क्या बताता है, जो पी टोटल है, पी टोटल जो टोटल प्रेशर होता है किसी भी कंटेनर का, वो उस कंटेनर में प्रेजेंट सभी गैसेस के इंडिविजुअल सम के इक्वल होता है, मतलब यहाँ पे कितने कंपोनेंट था, दोनों तो दोनों के सम के इक्वल, पी टोटल जो होता है, और पी ए की वैल्यू अभी अभी हमने करी है इक्वेशन फर्स्ट से, पी नोट ए एक्स है और पी वी की करी है पी नोट बी एक्स बी, ये फॉर्मूला भी यूज होगा बहुत सारी जगहों पे न्यूमेरिकल्स में, इसको आगे करते हैं ड्राइव, हमें पता है जो मोल फ्रैक्शन का सम है सभी कंपोनेंट्स का वो यूनिटी होता है वन, ये पढ़कर आए हम, ठीक है, तो एक्स भी बराबर हो जाएगा वन माइनस एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दू तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एंड एक्स बी की जगह पे क्या आ रहा है वन माइनस, सॉरी वन था ये, वन माइनस एक्स ए, इसको सॉल्व करते हैं पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट बी एक्स ए, पी टोटल, अब इन दोनों में कॉमन देख लो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स ए कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको सिंपली लिख रहा हूं, पहले ये लिख रहा हूं देखो पी नोट बी प्लस इन दोनों से एक्स ए कॉमन ले रहे हैं एक्स ए, ठीक है, पी नोट ए ये रहा और माइनस पी नोट बी कॉमन लिया बस, तो ये आ जाता है रोल्स लॉ का रिलेशन, पी नोट बी प्लस एक्स ए माइनस बी, ठीक है, देखो बी ए ए माइनस बी, इसको और दूसरे तरीके से भी लिख ले, अगर हम यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो ये आता है, सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ये जगह पी नोट ए प्लस एक्स बी बी माइनस ए पी नोट बी माइनस पी नोट ए, तो ये रोड्स लॉ का फाइनल रिलेशन है जो कि पूछा जाता है डेरिवेशन में भी और इसके कुछ न्यूमेरिकल कुछ क्या आते हैं एग्जाम्स में, तो हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल नहीं सॉरी, अभी तो ग्राफ है और भी टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पे फॉलोइंग कंक्लूजन्स, फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन, तो इस रिलेशन से हमें क्या क्या पता चलता है वो देख लो, पहला पॉइंट द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ one component of any one component. Statement type questions में आ जाते हैं, तो को यहाँ पे लिखा है था total pressure, बोलो total pressure of solution can be related to the mole fraction of any one components. अगर हम total pressure निकालें कभी भी
तो इस रिलेशन को नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट भी है। देखो कभी भी अगर टोटल प्रेशर निकालते हैं किसी भी सॉल्यूशन का, कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, तो उसके लिए हमें कम से कम एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए। देखो पी टोटल के लिए या तो ए का पता होना चाहिए या फिर डी का, किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए, तभी हम रॉड्स लॉ से टोटल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इफ टू कंपोनेंट्स और लिक्विड्स, कंपोनेंट्स या फिर लिक्विड्स आर नॉट कंप्लीटली, आर नॉट कंप्लीटली मिसिबल, इंपॉर्टेंट है। ये लो एप्लीकेबल नहीं होगा अगर दोनों लिक्विड या दोनों कंपोनेंट दोनों में एक दूसरे में क्या मिसिबल, दोनों अगर सोल्यूबल नहीं है, दोनों मिसिबल अगर नहीं है तो ये लो एप्लीकेबल नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी, ठीक है। दिस लो इज नॉट एप्लीकेबल इफ टू कंपोनेंट्स आर नॉट कंप्लीटली मिसिबल। तो ये रॉड्स लॉ का रिलेशन था, ये कुछ कंक्लूजन हमने फाइंड आउट करे यहाँ से। अब इसका छोटा सा ग्राफ देख लेते हैं अगले पेज पे। तो मोल फ्रैक्शन का ग्राफ कुछ नहीं है आइडियल गैस के लिए, सॉरी आइडियल सॉल्यूशन के लिए, गैस नहीं सॉल्यूशन। तो आपने देखा भी होगा जो मोल फ्रैक्शन का यहाँ पे ग्राफ निकालते हो रॉड्स लॉ पे, मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर का ग्राफ निकालते हो, तो कुछ ऐसा पॉइंट्स दिखते होंगे आपको। एक तरफ होता है पी नॉट ए और सेकेंड तरफ पी नॉट बी। ये इसको नीचे क्यों लिया या उसको ऊपर क्यों लिया इसके लिए देख लो। यहाँ पे अज्यूम करा है, अज्यूम कॉम्पोनेंट ए, कंपोनेंट ए इज लेस वोलेटाइल, इज लेस वोलेटाइल देन कंपोनेंट बी। यहां पे ये अज्यूम करा जाता है, इसका मतलब क्या है, ये देन है, ठीक है। इसका मतलब है जो आप दो लिक्विड ले रहे हो यहाँ पर, जो दो लिक्विड ले रहे हैं ए और बी, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, हम मान के चल रहे हैं कि एक जो है ए वो कम वोलाटाइल है या बोल सकते हो लेस वोलाटाइल है। आप कोई भी अज्यूम कर सकते हो, चाहे बी को कर लो, बी नीचे आ जाएगा ए उधर चला जाएगा। तो दोनों में से हमें पता है कि एक का रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा और एक का कम होगा, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन या दोनों सॉल्वेंट जो है हम डिफरेंट डिफरेंट लेते हैं, सेम लोगे तो फिर फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे रिलेशन। एक कम वोलाटाइल है इसलिए हमने इसे नीचे ले लिया, बी ज्यादा वोलाटाइल है उसका प्रेशर ऊपर, तो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन है। अगर देखो ये ग्राफ ए का ड्रॉ कर रहे हैं तो इस केस में मोल फ्रैक्शन जो ए का वो मैक्सिमम होगा, और ये ग्राफ यहां से हम बी का ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बी का मैक्सिमम होगा और यहाँ पे ए मिनिमम मीन्स जीरो, और यहाँ मैं ए का ड्रॉ कर रहे तो ए मैक्सिमम एंड बी जीरो, ए का प्रेशर कम होता जाएगा एंड बी का इंक्रीज करता जाएगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और ये बी। ये जो लाइन है इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जो पीछे स्टेटमेंट भी लिखी थी टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए किसी एक कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। ये ए जो कि लेस वोलेटाइल, बी जो है ज्यादा वोलेटाइल, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी ए को, तो पी ए बराबर होता है पी नोट ए एक्स ए, ये पी बी को कर रहा है, पी बी इक्वल टू होता है पी नोट बी एक्स बी, तो ये कितना हो जाएगा पता हो, ये दोनों का सम पी टोटल पी ए प्लस पी बी, ठीक है। याद रखना देखो ये नॉर्मल ग्राफ है, आप ए कंपोनेंट का निकाल रहे हो, ए मैक्सिमम तो वो कम होता चला गया उसका जो अमाउंट है कंसंट्रेशन, जो बी है प्रेशर उसका इंक्रीज करता हो गया, क्योंकि इस डायरेक्शन से हम देखें ये बी कंपोनेंट है, उधर जाओगे तो बी डिक्रीज हो रहा है और इधर आओगे तो ए डिक्रीज हो रहा है। तो ये रॉड्स लॉ का ग्राफ है जो कि आइडियल बिहेवियर शो करता है आइडियली, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन आगे आएगा। ये आइडियल सॉल्यूशन का भी ग्राफ जो कि रॉड्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन को, या आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो रॉड्स लॉ को फॉलो करते हैं हर कंडीशन पे टेम्परेचर और प्रेशर। तो कभी भी आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ आता है तो आपको रॉड्स लॉ का ग्राफ ही ड्रॉ करना होता है, ठीक है। ये था इसका ग्राफ।
तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आएंगे। उसके बाद एक टॉपिक और, इन केस ऑफ वेपर फेज, वेपर फेज, क्योंकि क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आते हैं, वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन वगैरह पूछा जाता है। तो वेपर फ्रैश, देखो लिक्विड फेज में हम मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, x, तो वेपर फेज में जो हम करेंगे y से। तो y a बराबर होता है, तो हमें पता है नॉर्मल मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a अपॉन सम, ये सबने पढ़ा आज तक, ये लिक्विड फेज में। अगर वेपर फेज की बात करें तो y से रिप्रेजेंट करते हैं, y a बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए नहीं होगा क्योंकि वेपर फेज है, तो यहाँ पे हम प्रेशर होते हैं, प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल प्रेशर ई एन बी, दो कंपोनेंट है ना, तो ये वेपर फेज में होता है और वो लिक्विड फेज में, किसमें होता है, ये लिक्विड फेज में। तो बताओ वाई ए बराबर क्या आ गया, पी ए अपॉन पी टोटल, और यहाँ पे पी अगर हम फाइंड आउट करें तो वाई ए P टोटल, ये आया इसका रिलेशन, ये कंपोनेंट A के लिए था और कंपोनेंट B के लिए लिखे हैं, तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है, तो प्रेशर ऑफ V अपॉन टोटल A प्लस V, ये वही मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स नहीं, वेपर फेज में प्रेशर लेते हैं, प्रेशर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल, तो वाई भी पी भी अपॉन P टोटल, तो पी वी बराबर किसके हो जाएगा, वाई बी पी टोटल, ये B, ये A और B देखो ये यही है जो पीछे हमने यहाँ पे करा है, A एंड B, ठीक है, हम वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं A एंड B, या इन जनरल बोला जाए यहाँ पर देखा जाए तो, इन जनरल तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो पी आई है, आई ले लेते इजकल टू वाई आई तुम्हें पी टोटल, आई आप इंक्रीज करोगे, आई की वैल्यू ए डालोगे तो पी है, वाई है पी टोटल, बी डालोगे पी वी, वाई वी पी टोटल, सी डालोगे तो पी सी, वाई सी पी टोटल, तो ये जनरल फॉर्मूला है, और ये वेपर फेज में। तो जो न्यूमेरिकल होते हैं उनमें पूछा जाता है, अभी हम करेंगे भी न्यूमेरिकल्स वेपर फेज में, ठीक है। तो न्यूमेरिकल करने से पहले इसका एक और छोटा सा केस देख लो, रोड्स लो, बिकम अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लो, तो रोड्स लो और हेनरी लो के बीच में रिलेशन देख रहे छोटा सा, ठीक है, इस पे भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं कई बार। In the solution of liquid in gas, या gas in liquid बोल लो, sorry, gas in liquid, in the solution of gas in liquid, one of the component is so volatile. ये मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, इसके अंदर हम ले लेते हैं लिक्विड, ये ले लिया हमने यहाँ पर लिक्विड, तो हमने हेनरीज में पढ़ा था, इसमें हम क्या डिसोल्व कर रहे हैं, गैस, मान लो गैस प्रेजेंट, और ये क्या है, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड है और वो गैस, तो लिखा है इफ द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड वन ऑफ द कॉम्पोनेंट इज सो वोलेटाइल, इन दोनों में से एक ज्यादा वोलेटाइल है और वो कौन है, गैस, दैट इज गैस, ठीक है, देन वी कैन से रोल्स लॉ बिकम ए स्पेशल केस ऑफ केस ऑफ हेनरीज लॉ, कैसे देख लो, यहाँ पे जो हेनरी लॉज क्या बोलते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, या फिर बोल सकते हैं जो सॉल्युबिलिटी या पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, कांस्टेंट रखता है तो हेनरीज लॉ। तो पी आई बराबर हो जाएगा, ये हम पढ़ के आए हेनरी में, के एच एक्स अकॉर्डिंग टू हेनरीज, हेनरी लॉ ये था ना, गैस एंड लिक्विड। और रोल्स लॉ भी बोलता है कि अगर दोनों वोलेटाइल हो तो दोनों का जो वेपर प्रेशर हम निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ। तो यहाँ पे देखना, जब गैस को लिक्विड में डिजोल्व करते तो हेनरी लॉ भी आएगा, और दोनों ही वोलेटाइल है जिसमें से एक ज्यादा और एक कम। अभी हमने करा भी था कि एक ज्यादा और एक कम, तो यहाँ पे रोल्स लॉ भी एप्लीकेबल है। हेनरी लॉ तो ये बताता है जो प्रेशर है के एच एक्स जो पढ़ के आया, और रोल्स लॉ क्या बता रहा है, पी आई इज इक्वल टू पी आई नॉट एक्स, ये रोल्स लॉ ने बताया हमें। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अगर कभी भी आए कि गैस एंड लिक्विड बताओ कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, तो इसमें हेनरी और रोल्स दोनों ही एप्लीकेबल है। हेनरी इसलिए एप्लीकेबल है क्योंकि गैस सॉल्युबल होती है लिक्विड के अंदर, और रोल्स लॉ इसलिए है कि दोनों ही वोलेटाइल है जिसमें से एक ज्यादा और एक कम। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखो, पी आई इसके भी इक्वल है एंड पी आई इसके भी, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये राइट वाली जो दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएगी, के एच एक्स इजकल टू पी आई नॉट एक्स, तो एक्स एक्स कैंसल आउट, तो के एच इजकल टू पी आई नॉट। तो हेनरी कॉन्स्टेंट किसके इक्वल होता है, जो वेपर प्रेशर है उस केस में किसके इक्वल होगा, हेनरी कॉन्स्टेंट उस केस में वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के इक्वल होगा, जो यहाँ पे सॉल्वेंट है ना उसका जो वेपर प्रेशर है वही आपका हेनरी लॉज है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है उसमें पूछ लिया कि हेनरी कॉन्स्टेंट निकालो। अब अगर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का जो भी है मान लो 20 bar, तो वही उसका हेनरी कॉन्स्टेंट है, सॉल्व करने मत बैठ जाना, ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, ठीक है, आएगा देखते ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। तो ये हमारा रोल्स लॉ, इसे नोट कर लेना। अब हम करते हैं क्या न्यूमेरिकल्स। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने रोल्स लॉ जो कि क्या बोलता है, पी ए इजगल टू एक्स है, जो कि रिलेशन आया पी टोटल इजगल टू पी नॉट बी प्लस एक्स है ए माइनस बी, इसका ग्राफ ए का प्रेशर डिक्रीज, बी का यहाँ पे जो है कंपोनेंट यहाँ बढ़ रहे हैं, एक लेस वोलेटाइल है एज कम्पेयर टू बी, इसलिए इसका ग्राफ नीचे से स्टार्ट हुआ है। और ये किसका ग्राफ है, रोल्स लॉ और आइडियल सॉल्यूशन। फिर हमने वेपर फेज में देखा वाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखना। और रोड्स लॉ बिकम ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, यहाँ पे के एच इजकल टू पी आई नॉट, और साथ के साथ हमने वेपर प्रेशर भी पढ़ा था। ये इंपॉर्टेंट है कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप करते हैं इनके कुछ न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, क्वेश्चन है, पहले मैं रीड कर देता हूं, टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, तो रोल्स का ये आइडियल है, एट 300 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए, सॉरी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 mole ऑफ ए एंड 3 mole ऑफ बी, तो एक ए एक बी, ए के मोल जो दे रहे क्या 1 mole और बी के, बी के दे रहे क्या हमें 3 mole, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए 1 mole है बी 3 mole है इज 550 mm ऑफ Hg। तो देखो यहाँ पे सही से देखना, जो ये लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है 550 mg, तो सॉल्यूशन मतलब पी टोटल भी दे रखा है यहाँ पर 550 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो एट द सेम टेम्परेचर इफ वन और मोर, चलो पहला पार्ट करते हैं, ठीक है, वन मोर मोल ऑफ बी इज एडेड, बी का एक मोल और एडेड कर दिया टू दिस सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस बाय 10, बी का एक मोल बढ़ा दिया तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बढ़ गया है 10। तो यहाँ पे बोला डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन देयर प्योर स्टेट, तो फाइनली हमें जो निकालना प्योर स्टेट, मैंने बताया भी था प्योर स्टेट मतलब पी नॉट, ठीक है, तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो करना है
यहाँ पे लिख देता हूँ, हमें निकालना पी नोट ए एंड पी नोट बी, ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो ये दो पार्ट में होगा, तो पहले चलो करते हैं डायरेक्ट सॉल्व। तो देखो हमें पता है पहले मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर टोटल निकालना है तो किसी एक का मोल फ्रैक्शन पता है, पता होना चाहिए। तो x से बराबर हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a अपॉन टोटल, एक और तीन चार, ठीक है डायरेक्ट कर दिया। सेम एज इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b मोल फ्रैक्शन b के निकालो तो थ्री अपॉन टोटल, एक और तीन चार। तो अब हम करते हैं, देखो हमें पता है जब p टोटल होता है p नोट एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, ये हमने पीछे पढ़ा है, अभी अभी ड्राइव करा है, देख लो ये रहा आ गया ये रहा, ठीक है यहाँ से भी कर सकते हो यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये हम करते कहाँ गए, ठीक है अब वैल्यू पुट करते हैं, पी टोटल कितना है 550। क्वेश्चन अच्छा है काफी, पी नोट ए जो कि निकालना है एक्स ए वन अपॉन फोर प्लस पी नोट बी जो कि कैलकुलेट करना है एक्स बी थ्री बाई फोर। यहाँ पे इक्वेशंस बनेगी क्योंकि दोनों ही कैलकुलेट करने हैं, ये फोर दोनों का जो नीचे डिनोमिनेटर में जैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 550 इंटू में फोर इजकल टू पी नोट ए प्लस थ्री पी नोट बी। तो 550 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ 400 4520 02 4520 22 आ गया 2200 यार आ रहा है 2200। तो कहाँ पे लिखूँ मैं इस इक्वेशन के, यहाँ लिख देता हूँ 2200 इजिकल टू पी नोट ए प्लस थ्री पी नोट बी, ये आ रही है पहली इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है क्या है यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट हो गया, बोला एट द सेम टेम्परेचर इफ वन मोर मोल, ये दिख रहा है इफ वन मोर मोल ऑफ बी इज एडेड टू द सॉल्यूशन, बी के मोल कितने थे थ्री, एक मोल और ऐड हो गया तो कितना हो गया फोर। तो सेकंड पार्ट राइट में करते हैं, ए के मोल वही है सेम, ए के मोल में कोई चेंजिंग नहीं आई है, बी के मोल क्या बोल दिया वन मोर मोल एडेड, तो मतलब पहले कितने थे थ्री अब कितना हो गया फोर मोल, ठीक है। और बोला जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन को वो इंक्रीज कर जाता है 10, पहले कितना था 550 10 और इंक्रीज कर गया तो पी टोटल 560 mm, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम वही करना है, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे और पी टोटल, तो मोल फ्रैक्शन ए कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल 4 and 1 5, और मोल फ्रैक्शन बी कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल 5। जो पी टोटल होता है वो होता है पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, यस सुनो अभी सारी वैल्यूज हमें पता है, जो जो पता है पुट करते हैं 560 पी नोट ए जो कि कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाई एक्स ए 1.5 प्लस पी नोट बी जो कि कैलकुलेट करना है एक्स पी 4/5, दोनों से डिनोमिनेटर में 5 है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 560 इंटू में 5 इक्वल टू पी नोट ए प्लस 4 पी नोट बी। तो 5 से मल्टीप्लाई करा 500 5630 5525 28, तो ये आ गया 2800 इज इक्वल टू पी नोट ए प्लस 4 पी नोट बी, इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन थी 2200 पी नोट ए प्लस 3 पी नोट बी एंड सेकंड ये रहा। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम राइट में ऊपर, तो पहले देखो एक ये रही डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हम पी नोट ए, ये सेकंड इक्वेशन है प्लस 4 पी नोट बी, ये दिख रहा है ना आकार, ठीक है 4 पी नोट बी, और सेकंड इक्वेशन है 2200 पी नोट ए प्लस 3 पी नोट बी।
इसे अगर हम सॉल्व करें, ठीक है माइनस माइनस, तो इससे माइनस गया तो कितना हुआ, माइनस कर रहे हम 600, ये तो कट गया पूरा, ये बचा पी नोट बी डायरेक्ट, तो पी नोट बी तो आ गया कितना 600 mm, कितना आ रहा है 600 mm, पी नोट आ गया 600 mm. अब किसी भी उसमें पुट कर दो और आपका आ जाएगा पी नोट ए, तो पुट कर देता, पुट इन इक्वेशन 1, तो 2200 इज इक्वल टू पी नोट ए इज इक्वल टू, सॉरी पी नोट ए बी लिख रहा हूं, 2200 इज इक्वल टू पी नोट ए प्लस 3 पी नोट बी, 3 पी नोट बी, और पी नोट बी कितना है 600, तो 6 3 18, 1800 इधर से जाके माइनस हुआ, तो पी नोट ए इक्वल टू 2200 माइनस 1800, तो कितना है 400 mm ऑफ एच जी, तो पी ए आ रहा है 400 mm ऑफ एच जी एंड पी बी आ रहा है 600 mm ऑफ एच जी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे नोट कर लो, एग्जाम में आ सकते हैं। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 28% बाय मास ऑफ अ लिक्विड ए, इसका मोलर मास 140 है, हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 160 mm एट 37 डिग्री सेल्सियस 37, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड, पी नोट ए निकालना है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर का हमें दे रखे हैं बी जो है, देखो 28% का मतलब क्या होता है, ये बहुत बार करा है, 28% मास बाय मास ऑफ ए, इट मींस 28 ग्राम प्रेजेंट इन, मास परसेंटेज कितने के लिए होता है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये मोलरिटी वाले न्यूमेरिकल्स में भी देखा था, कहीं 38% होता है, कहीं 69, कहीं 72, कहीं 98, तो 28% मास बाय मास का मतलब होता है कि 28 ग्राम प्रेजेंट है पर 100 में, क्योंकि जो मास परसेंटेज होता है वो हम लोग 100 के लिए ही फाइंड आउट करते हैं, तो बताओ ए जो है और दूसरा क्या हो गया बी, ए का जो मास है गिवन मास, मास बोल रहे हैं गिवन मास कितना आ गया 28, मोलर मास वो बोल रहे हैं 140 है। 140 ग्राम पर मोल, ठीक है 140 ग्राम पर मोल, बी का, बी क्या है सॉल्वेंट, वाटर ही होता है जब कुछ नहीं है, तो सॉल्वेंट हमें यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर, तो गिवन मास कितना है 100 माइनस 28, कि टोटल 100 था सॉल्यूशन, 28 तो सॉल्यूट हो गया जो ए कंपोनेंट है, तो कितना बचा है 72 ग्राम, और मोलर मास जो होता है वो होता है 18 ग्राम पर मोल, तो हमें जो निकालना है फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, तो इस ये निकालना है पी नोट ए, और कुछ गिवन है इसी से निकल जाएगा टोटल वोटल, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर का भी दे रखा 150, ये रहा ठीक है, तो करते हैं, देखो पहले मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्योंकि वेपर प्रेशर रोल्स लॉ में आपको किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बताना चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन अगर मैं निकालूं तो पहले निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स, एक मिनट, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास 14 × 0.2, यह आ गया 14 × 2 से गया 10 × 0.2, दूसरी तरफ अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें भी, गिवन मास अपॉन मोलर मास, 18 के टेबल पे 72 4 पे जाता है, तो ये आ गया मोल, तो मोल फ्रैक्शन निकालू ए का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल, टोटल कितना हो जाएगा 4 × 0.2 4.2, कितना आ गया 4.2, जो इतना ही चलो छोड़ देते हैं अभी 2 upon 42, ठीक है आगे सॉल्व भी करना है या करना चाहोगे, चलो इतना ही छोड़ लेते हैं अभी, तो आगे पुट करेंगे उसे, यहाँ पे अगर हम मोल फ्रैक्शन बी का निकाले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल, ठीक है आ गया 40 अपॉन
42, ठीक है। तो बोल रहा है कि पी नोट ए निकालना है। अब हमें पता है वी नो, जब पी टोटल होता है वो होता है पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट वी एक्स वी अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, यस और नो? तो पी टोटल भी दे रखा है, देन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 28% बाय मास ऑफ लिक्विड ए जो कि ये हैज द वेपर प्रेशर। पी टोटल भी हमें कितना दे रखा है 160, यहाँ पे लिख देता हूँ पी टोटल, तो यहाँ पे लिख दो पी टोटल हमें कितना दे रखा है 160। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ना है, एंड एक्वस सॉल्यूशन जो कि 28% मास बाय मास है ए का, इसका वेपर प्रेशर है 160, ठीक है, वही रहा 160 ए बी की बने। तो अब तो हो ही गया क्वेश्चन 160, पी नोट ए हमें फाइंड आउट करना है, पी नोट ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक्स ए कितना है 2/42, और प्लस पी नोट बी कितना है, ये रहा 150, और ये कितना है एक्स बी 40/42। तो यहाँ पे देख लो जो 42 है डेनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे बचा 2 पी नोट ए प्लस 4 को 15 से करेंगे तो कितना आएगा 90, 900 ये आएगा ना, 4 25 से 30 60 आएगा, सॉरी 15 से 60 900 नहीं 60 6000 करके भी देख लेते ना, 15 4 5 22 4 5 60 2 0, ठीक है 6000। तो 42 इससे मल्टीप्लाई होगा, 42 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करें 6 2 12 1 6 4 24 25 1 2 2 1 4 4 6 7 5 0 = 2 पी नोट प्लस 6000 इधर माइनस हो जाएगा तो जाएगा 750 = 2 पी नोट, और पी नोट ए बराबर कितना हो गया 750/2, कितना हो गया 750/2, 2 के टेबल से जाएगा तो 37.5 मतलब 370 ये आएगा ना, 70 आएगा 75 0.5 है ना 375 mm ऑफ mm है ना mm ऑफ Hg, तो ये आपका प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। लॉर्ड्स लॉ का ही क्वेश्चन था, इजी था ये तो काफी, ठीक है। तो ऐसा नोट कर लो, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए इन वेपर फेज इज x1 एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेज। अच्छा वेपर फेज पे x1 है और लिक्विड फेज पे x2, देन पी नोट ए एंड पी नोट बी वेपर प्रेशर ऑफ वेव, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सचर इज, ये चार ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट है? तो पी टोटल निकालना है हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन को सही से समझना इंपॉर्टेंट है, दो बोल रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में हम क्या लिखते हैं, देखो याद होगा मैंने यहाँ पे बताया भी था, वेपर फेज में हम पीछे स्लाइड कर लेते हैं, ये रहा वेपर फेज में वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेपर फेज में किससे करते हैं वाई से। तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज वाई ए जो कि किसके बराबर है x1, तो कंफ्यूज करने के लिए वाई ए बराबर x1 कर दिया, ये वेपर फेज। और जो लिक्विड फेज में, लिक्विड फेज में तो x से ही लिखते हैं काय जो कि है x2, ओके। लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो x2 है, तो बोला टोटल प्रेशर निकालो, तो बताओ टोटल प्रेशर कैसे निकालोगे, करते हैं। देखो हमें पता है अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ तो
पी इज इक्वल टू होता है पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है ठीक है। और वेपर फेज में हमें वाई ए का फॉर्मूला भी पता है, जो प्रेशर ऑफ ए अपॉन पी टोटल, ये करा था अभी, प्रेशर ऑफ ए अपॉन पी टोटल, तो पी टोटल बराबर कितना हो गया, ये हो गया पी टोटल ही निकालना है ना, ठीक है, तो पी टोटल बराबर हो गया पी ए अपॉन वाई ए, सही से देखना पी ए अपॉन वाई ए, पी ए अपॉन वाई ए की वैल्यू बोला है एक्स ए वन पुट करनी है, वाई ए की वैल्यू क्या पुट करनी है एक्स वन, एक्स वन वन है ना, ठीक है। और पी ए किसके बराबर है, पी नोट ए एक्स है, पी ए बराबर है हमारे पास पी नोट ए एक्स है, और एक्स ए को बोल रहे हैं कि वो एक्स टू लेट करना है, एक्स ए को क्या करना है एक्स टू, तो पी ए की वैल्यू यहां पुट कर रहे हम, ठीक है, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा पी नोट ए एक्स टू अपॉन एक्स वन, यही फाइनल आंसर है पी टोटल का। देखो पी टोटल बराबर आ गया पी नोट ए एक्स टू एक्स वन, पी नोट ए एक्स टू एक्स वन, पी नोट ए एक्स वन एक्स टू एक्स वन एक्स टू बी, तो ऑप्शन क्या गया, देखो पी नोट ए एक्स टू अपॉन एक्स वन, कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल इजी सा था। तो जो वेपर फेज का फॉर्मूला है यहाँ पे आ रहा है, वेपर फेज का फॉर्मूला है वो होता है पी ए अपॉन पी टोटल, ठीक है। अब हमने P टोटल निकाला तो वाई भी नीचे, वाई ए नीचे चला गया, बोला वाई ए को एक्स वन लेट करना है, कर लिया, पी ए बराबर रॉल्स लॉ से ये होता है, और बोला एक्स ए को एक्स टू लेट करना है, तो पी ए की ये पूरी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये आ गया पी नोट ए एक्स टू अपॉन एक्स वन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस में, ठीक है। तो वेपर फेज वाला आपको करना है, इंपॉर्टेंट है काफी। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, ये तो इजी है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट पी नोट ए दे रखा है, बताओ कितना है 100 एमएम एचजी, और पी वी कितना है 150 एमएम ऑफ एचजी, 2 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी आर मिक्स टू फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये तो बिल्कुल डायरेक्टली ही क्वेश्चन है, तो करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ए निकालू, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल 5, चूंकि सॉल्व कर लें, कर लेते हैं 0.4, तो ये कितना आ जाएगा मोल फ्रैक्शन 1 में से माइनस करके 0.6। पी टोटल क्या होता है, क्या होता है पी नोट है प्लस एक्स बी पी नोट बी माइनस पी नोट ए, तो कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो जैसा आपको सही लगे, दोनों को डालना है या डायरेक्ट फाइनल रिलेशन रखना है। तो पी टोटल बराबर कितना हो गया पी नोट ए कितना है 100 प्लस एक्स बी 0.6 बी माइनस ए बी कितना है 150 माइनस 100, तो करते हैं 100 बी माइनस ए था ना, ठीक है, प्लस 0.6 इंटू में 50, पॉइंट एट आया 0 130, कोई आ रहा है क्या 130, देखो 6 5 30 100 130 ये रहा बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन है 130 mm of hg, तो ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूले पता है तो रोड्स लो के डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। एक आध और कर लेते हैं, ये अगला और भी है क्या कोई, हाँ हाँ अभी तो क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, ये वाला जो क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी के इंटेक्स का क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट है, पर इसमें सब कुछ पूछ लिया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर बोल दिया ना, तो पी नोट ए 450 पी नोट बी 700, ठीक है, ये गिवन है, रिस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन फाइंड आउट द कंपोजिशंस ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ द पी टोटल, पी टोटल कितना है 600 एमएम
तो लिक्विड फेज में और कंपोजिशन इन वेपर फेज, सब कुछ बताना है। लिक्विड फेज में भी क्या क्या आपके मोल फ्रैक्शन है और वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन, कंपोनेंट वगैरह सब सब फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें पूछी हुई हैं, तो करते हैं। हमें पता है, देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल्स लो, जो पी टोटल का रिलेशन था हमने निकाला था, पी नोट ए प्लस एक्स वी पी नोट बी माइनस पी नोट ए, ये रिलेशन था। एक्स बी के टर्म में लिखो या एक्स ए के टर्म में, तो पी नोट ए कितना है 450, एक्स बी कैलकुलेट करना है, पी नोट बी 700, ए 450। देखो हमें बोला है लिक्विड फाइंड द कंपोजिशन ऑफ ए लिक्विड मिक्सचर, जो कंपोजिशन है वो लिक्विड एंड वेपर सब में निकालना है, मतलब एक्स ए भी निकालना है, एक्स बी भी निकालना है, वाई ए भी निकालना है, वाई बी भी निकालना है। तो पी टोटल कितना है 600, 450 यहाँ पे माइनस हो गया, ये बच्चा 450, 550, 650, 250 एक्स बी 250, तो माइनस करा तो 150/250 इक्वल टू एक्स बी, जीरो से जीरो कट 3/5, तो एक्स बी बराबर हो गया 3/5 जो कि आ गया 0.6। तो बताओ एक्स ए कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.1, तो एक्स ए और एक्स बी तो आ गया। अब आता है वेपर फेज बी पार्ट, वेपर फेज किसमें, वेपर फेज में अगर हम वेपर फेज की बात करें तो हमें पता है, देखो यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वाई ए बराबर होता है पी ए अपॉन पी टोटल, बट हमें पी ए नहीं पता है, हमें क्या पता है पी नोट ए। तो रोल्स लॉ से हमें पता है, देखो जो पी ए बराबर होता है वो पी नोट ए एक्स ए होता है, ये रोल्स लॉ बोलता था। तो यहाँ से हम पी ए निकालेंगे पहले, तो पी नोट ए हमें गिवन है 450 और एक्स ए अभी अभी हमने कैलकुलेट करा है 0.4, पॉइंट आया 0, 0 से 0 कट 4, 45 से 180 mm ऑफ एच जी। अब पी ए आ चुका है, अब हम वाई ए निकाल लेंगे, तो 180 अपॉन पी टोटल कितना है 600, 0 से 0 कट 0.3, तो वाई ए 0.3 है। वाई ए होता है क्या है, मोल फ्रैक्शन होता है वेपर फेज में, तो बताओ वाई बी कितना हो जाएगा, 1 माइनस वाई ए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम यूनिटी होता है 1 के बराबर 0.3, तो 0.3 क्या, तो 0.7, ये तो सॉरी यूनिट नहीं होगी, ये तो इजी से क्वेश्चन है, 0.7 है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक्स ए आ रहा है हमारे पास 0.4, एक्स बी आ रहा है 0.6, y आ रहा है 0.3 एंड y भी आ रहा है 0.7। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे पी ए आपको गिवन नहीं होता, ये रोल्स लॉ से फाइंड आउट करना होता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इजी था, ये तो काफ़ी जल्दी हो गया। अब आता है नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन, द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स आर 105 किलो पास्कल एंड 446.8 किलो पास्कल रिस्पेक्टिवली। दोनों लिक्विड्स का जो वेपर प्रेशर वो दे रखा है, मतलब प्योर स्टेट में, तो पी नोट ए, तो मैं हेप्टेन पहले हेप्टेन लिख लेता हूँ, हेप्टेन इसका फॉर्मूला होता है C7H16, ठीक है, और दूसरा क्या है ऑक्टेन, ऑक्टेन ही है ना, हेप्टेन एंड ऑक्टेन, उसका फॉर्मूला था C8H18, यस सुनो। तो अब बोला जो इसका, इसको ए मान लेते हैं ताकि बार बार ना लिखना पड़े, इसको हम बी मान रहे हैं। तो बताओ पी नोट ए जो इनका वेपर प्रेशर हेप्टेन और ऑक्टेन का दे रखा है 105.2 किलो पास्कल और उसका है पी नोट बी का ऑक्टेन का 46.8, आपको दिख रहा होगा 46.8 किलो पास्कल। तो अब आगे आते हैं इसमें, पहले चलो हमें बोला व्हाट विल बी द प्रेशर इन बार,
बाहर में पूछ लिया, ऑफ ए रिएक्शन मिक्सचर ऑफ 25 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, तो गिवन मास भी दे रखा है, गिवन मास कितना है 25, तो मोलर मास कितना होता है, अगर मोलर मास की बात करें तो 1600, इसका तो हो गया 100 ग्राम पर मोल, और इधर हम बात करें तो गिवन मास कितना है 35 एंड मोलर मास, अगर मोलर मास करें तो किसका C8H18, 12 8 96 प्लस 18 तो कितना आया 114 ग्राम, 10 96 104, ठीक है इतना ग्राम। तो अब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं दोनों के, नंबर ऑफ मोल्स निकाले एक है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास 25/100, ये आ गया कितना 0.25 मोल, और अगर नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे निकाले तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसको डिवाइड करते तो कितना आ रहा 0.3, ठीक है नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब दोनों के क्या निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ए का निकालो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल 0.25 प्लस, क्योंकि आ रहा है 0.25 अपॉन 0.55, तो ये आ गया 25 अपॉन 55, ठीक है 25 अपॉन 55, तो और सिंपली अगर से करें तो 5 अपॉन 11 जो कि कितना का 4.44, 0.45 यार 0.45, तो बताओ एक्स भी कितना आ जाएगा 1 - 0.45, तो ये कितना है 0.55, ये आ गया मोल फ्रैक्शन। तो बोला है कि टोटल व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर, तो मिक्सचर का वेपर प्रेशर निकालना है, पी नोट है एक्स है, पी नोट भी एक्स भी, चाहे ऐसे डाल लो फॉर्मूला या एक सिंगल कंपोनेंट वाला जो आपको सही लगे। तो पी नोट है कितने 105.2 इंटू में एक्स है आपने निकाला था 0.45 प्लस पी नोट भी 46.8 एक्स भी 0.55, इसको तो कैलकुलेट क्या करें आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है सारे सॉल्व कर लिया ये कैलकुलेट कर लेना, टाइम जाएगा फालतू, तो ये होमवर्क में आप कैलकुलेट करके बताना कि जो टोटल प्रेशर है वो कितना आएगा इसका कंपोनेंट का, तो ये होमवर्क में सॉल्व कर लेना 105 × 45 नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, पॉइंट हटाओ दोनों को मल्टीप्लाई, 1000 से डिवाइड अभी 1000 से डिवाइड हो जाएगा पॉइंट हट के दोनों को मल्टीप्लाई और ऐड, तो ये सॉल्व करके बताना है कमेंट में कि इसका आंसर क्या है, और बोला भी है बार में तो बार में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, जो नहीं कि यहाँ पे बोला है वैसे बोलते नहीं है, बार में पास्कल में और MMOFHG ATM में, तो वो कन्वर्जन तो लास्ट बेसिक्स ही है, तो उसके लिए भी एक जो वीडियो बना लेंगे कि कितने बार ATM के बराबर होता है या पास्कल किस बार के बराबर होता है, तो ये होमवर्क में ट्राई करना है। तो ये आज हमने पढ़ा है रोल्स लॉ, रोल्स लॉ क्या होता है उसके न्यूमेरिकल्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसमें पहला न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा अच्छा था, पहला और एक ही है कहाँ गया, एक ही वाला न्यूमेरिकल थोड़ा था अच्छा जो एग्जाम में पूछा जाता है, एंड फर्स्ट न्यूमेरिकल कहाँ गया, ये न्यूमेरिकल्स, ठीक है इसको थोड़ा सही से ट्राई करना, बाकी तो नॉर्मल ही थे नॉर्मल कैलकुलेशन। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।